गाइस नमस्कार। आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स, मतलब एक बहुत बड़ा नाम है वैसे ई कॉमर्स, लेकिन ई कॉमर्स सेगमेंट में जो बाकी की कंपनीज है उनके छलावे के बारे में। अभी देखो ऐसा है कि मार्केट में ना बहुत ज्यादा कंपटीशन और ई कॉमर्स में तो कुछ ज्यादा ही है, मतलब फ्लिपकार्ट, अमेजोन, पेटीएम, स्नैपडील और पता नहीं मतलब कितनी हजारों वेबसाइट ऐसी आ चुकी है जो आपको ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे हर पोर्टल ये चाहता है कि कैसे भी करके आप उनकी वेबसाइट पे जाओ और वहां से शॉपिंग करो, क्योंकि जितना आप वहां जाओगे उतना वो प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये सब करने के लिए ना कंपनीज भी बहुत दाव पेच लगा रखे, मतलब कुछ कंपनी बढ़कर डिस्काउंट दे रही है, कुछ कंपनी 1+1 का ऑफर, 2+2 का ऑफर, या फिर आपको मतलब किसी ना किसी लूप में फंसा के चाहती है कि आप उनके वहां से शॉपिंग करो। तो आज हम बात करने वाले हैं यहीं पे इस चीज के बारे में कि ये क्या छलावा है और आपको इससे कैसे बचना है। अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करते हो तो ठीक है, लेकिन अगर करना चाहते हो तो कैसे, देखते रहिए। क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, देखो अब। अच्छा तो हम और रिफाइन करें इस चीज को, तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन सबको हटा दिया जाए, हम बात करेंगे यहाँ पे पेटीएम के बारे में। अब पेटीएम का जो मार्केट प्लेस है दैट इज नॉट एज लार्ज एज कम्पेयर टू फ्लिपकार्ट या अमेजोन, थोड़ा सा छोटा है क्योंकि वहाँ पे जो नंबर ऑफ सेलर्स हैं वो कम है। अब ये जो सर्विस है इसका नाम है पेटीएम पोस्टपेड। तो यहाँ पे बात करने वाले बेसिकली पेटीएम पोस्टपेड है क्या और अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हो तो किन चीजों का ध्यान रखो। तो यहाँ पे मतलब पेटीएम की मस्त मोनोपोली बनी हुई है और यहाँ पे पेटीएम चाहता है कि उसकी सारी सर्विसेज का फायदा लोग ज्यादा से ज्यादा उठाएं, मतलब लोग बुक माई शो बंद कर दे, लोग मेक माई ट्रिप बंद कर दे, लोग IRCTC ट्रेन टिकट वाली जो पोर्टल है उसको बंद कर दे, सब सीधे सीधे पेटीएम पे आ जाए। और यहाँ पे ये सोच के पेटीएम ने यहाँ पे पेटीएम पोस्टपेड ऑफर इंट्रोड्यूस किया। इसके अंदर क्या है कि पेटीएम ने ICICI बैंक से टाइप किया और फिर दोनों ने मिलकर यहाँ पे कस्टमर को कुछ पैसा या कुछ उधार देने का सोचा। उधार ऐसा कि वो डिसाइड होता है आपकी क्रेडिबिलिटी पे, मतलब कि आपके ट्रांजेक्शन कैसे हैं या फिर आपका ICICI बैंक में अकाउंट है या नहीं है, इन सारी चीजों पे डिसाइड होता है। यहाँ पे पेटीएम आपको आपके पेटीएम पोस्टपेड अकाउंट में आपकी क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे कुछ पैसे देता है और फिर वो आपको बोलता है कि इन पैसों को उड़ाओ उड़ाओ, मतलब जितना उड़ा सकते हो उड़ाओ। और फिर जैसे ही एक महीना खत्म होता है पेटीएम हथौड़ा लेके आपके सर पे मारता है और बोलता है भैया पैसे वापस करो। और अगर पैसे वापस नहीं किए आपने उस टाइम पे तो फिर यहाँ पे डबल हथौड़ा, ट्रिपल हथौड़ा, मतलब इतने ज्यादा फाइन मारता है आप पे कि आप सोचते हो यार ये गलती मैंने करी ही क्यों। तो यहाँ पे बात करें हम लाइव एग्जांपल की, तो देखो ये मेरा पेटीएम अकाउंट है और यहाँ पे आप देख सकते हो आपने पेटीएम यूज किया ही होगा, हर चीज आज के टाइम में अवेलेबल है। तो मार्केट प्लेस जैसा मैंने बताया बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे हम चलते हैं पेटीएम पोस्टपेड के अंदर। तो यहाँ पे पेटीएम पोस्टपेड मैंने ऑलरेडी एक्टिवेट किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को जो लिमिट दी है पेटीएम वालों ने वो दी है 22,750 रुपए, जो कि डिपेंडेंट है पूरी मेरी क्रेडिबिलिटी पे। उनको लगा कि मैं 22,000 रुपए खर्च करके उनको वापस कर सकता हूँ, तो उन्होंने इतना पैसा मेरे को उधार दे दिया। अब यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो कि मैंने कुछ शॉपिंग करी है यहाँ से, जहाँ पे अभी जो मेरी लिमिट बची है वो 21,448, मतलब इतना और पैसा मैं उड़ा सकता हूँ इनका। और यहाँ पे जो ड्यू हो गया है यहाँ पे देख सकते हो आप 1301 रुपए मुझे इनको देने हैं। अब यहाँ पे कहानी सारी ऐसी है कि भाई आप पैसा यूज करो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे देखो कितने सारे ट्रांजेक्शन किए हुए हैं, फिर ये 1 तारीख से 1 तारीख तक का बिल बनाते हैं, मतलब कि अगर मैंने इस महीने पैसा यूज किया कभी भी किया अगले महीने की 1 तारीख को उसका बिल जनरेट हो जाएगा और मेरे को अगले 7 डेज दिए जाएंगे उस पैसे को जमा करने के लिए। मतलब अगर मैं 1 तारीख को कोई प्रोडक्ट खरीदता हूँ तो मेरे को अगले 7 तारीख तक उस पैसे को जमा करना है किसी भी हाल में। अब यहाँ पे बात करें फाइन की, तो अगर आपका प्रोडक्ट जो आपने परचेस किया है वो 5,000 के नीचे का है तो यहाँ पे भी आपको 10% का फाइन लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1,000 रुपए की चीज खरीदी और अगर मैं 7 तारीख तक पैसे नहीं दे पाया तो उस केस में मेरे को कंपनी को अगले महीने 1,000+100 रुपए फाइन देना पड़ेगा, जो कि हो जाता है 10%। लेकिन ये जो फाइन का रेट है ये चेंज हो जाता है अगर आप 5,000 के ऊपर जाते हो, तो वहाँ पे आपका सीधा सीधा जो फाइन हो जाता है वो हो जाता है 600 रुपए। तो 5,000 के नीचे तो मतलब इतना कुछ फर्क पड़ता नहीं, लेकिन 5,000 के ऊपर अगर शॉपिंग कर रहे हो तो आप मेक श्योर करो कि इनकी जो पेमेंट है वो आप बिल्कुल टाइमली कर दो, नहीं तो फिर यहाँ पे बवाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर सारी चीजें पेटीएम पोस्टपेड के बारे में। अगर आपको अभी तक नहीं मिला फीचर तो आप वेट करो, क्योंकि धीरे धीरे पेटीएम हर किसी को ये फीचर रोल आउट कर रहा है और स्पेशली जिसके पास ICICI बैंक का अकाउंट है उनको ये फीचर पहले दिया जा रहा है। लेकिन इसके साथ यहाँ पे जो लूप होल्स है वो भी मैंने आपको बता दिए, तो आप यूज करो, अच्छी फैसिलिटी है लेकिन ध्यान से। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि अगर फ्यूचर में आपको पेटीएम पोस्टपेड मिलता है तो आप इनके जो छलावा है, जो बिछाया हुआ जाल है पेटीएम वाले का, उसमें आप फंसोगे तो किस तरीके से बाहर निकलना है, क्योंकि फंस तो जाओगे ही, हर कोई फंस जाता है, लेकिन बाहर निकलना कैसे और वहां पे अपनी जान बचानी कैसे है ये आप इस वीडियो के थ्रू जान गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आगे मिलते हैं कुछ नई वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं खत्म। चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा आपने, नहीं किया तो अभी कर दो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और फिर इंतजार करो अगले वीडियो का। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।